नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 22 प्रेपोजिशंस। राइट, सो ऑन द पेज नंबर 82 हियर यू कैन सी दैट चैप्टर नंबर 22। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन बॉक्स इज गिवन, in the box mama dear cannot find her baby tippy। mama dear ko uski baby tippy naam rakha hai wo nahi mil rahi hai। mama dear says tippy went out to play in the morning, she usually comes back at 4 PM but she is not home yet। 4 baje tak tippy aa jati hai lekin आज वो अभी तक घर नहीं आई है। I run around the entire forest to look for her। मैं पूरे जंगल में उसको ढूंढने के लिए चक्कर लगा के आई हूँ। Will you help me find her, Meg? Meg, क्या तुम मुझे टिपी को ढूंढने में मदद करोगे? Meg says, There she is। After some time, Meg find out the tippy and say, There she is, वो वहां पे है। She is sleeping under the fir tree, वो ट्री के नीचे सो रही है। Right? So, next one, number 1. In the yellow box, a preposition shows the relationship between two words in the sentences. Here you can see that the sentence, Tippy is under the tree. So, under shows the relationship between TP and trees. Relationship मतलब दो sentence में जो दो words होते हैं उनका संबंध, relation show करने के लिए हम preposition का use करते हैं। Right? Number 2, preposition of place. Preposition of place means one type of play position. Right? Preposition of place tell us where someone or somebody is। where means कोई जगह, place, कोई चीज या कोई वस्तु या कोई इंसान कहाँ पे है, वो place show off करने के लिए हम preposition of place का use करेंगे। read these sentences। the tiger is behind the bush। जो tiger है वो bush यानी कि जो झाड़ी झाक रहे होते हैं उसके behind, पीछे है। A herd of deer is grazing in the meadow. Meadow means घास का मैदान, grazing means घास खाना। घास के मैदान के बीच में जो डियर का हर्ड मतलब पूरा जो ग्रुप है वो घास खा रहा है। A baby deer is playing alone. It is under the tree. ट्री झाड़ के नीचे, under मतलब नीचे। The tiger slowly crawls and hides between two rocks. Tiger है वो धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है और two rocks, जहां पे two rocks है उसके बीच में छुप गया है, hides between two rocks. Suddenly, the baby deer smells the tiger, it runs away. Where is it now? Ah, there it is. नेक्स्ट टू इट्स मदर, नेक्स्ट टू मतलब उसके बाद में। राइट, सो हियर यू कैन सी दैट पेज नंबर 82 हैड कंप्लीटेड। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न पेज नंबर 83। लुक एट प्लेसेस वेयर टूथी द माउस इज। माउस का नाम क्या है? टूथी। वो कहां पे है उसकी प्लेस को हम देखते हैं। लुक एट the pictures, here you can see that one box and one mouse is given, right? In the first picture, a mouse is under the box, so the preposition used here under. Next one, in, a mouse is in the box. Third one, on, a mouse is on the box. Next one, in front of, a mouse is in front of the box.
नेक्स्ट वन बिहाइंड अ माउस बिहाइंड द बॉक्स एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन नेक्स्ट टू अ माउस इज सॉरी अ बॉक्स इज नेक्स्ट टू द रेट और अ माउस राइट सो हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्रे पोजिशन आर देयर डन नेक्स्ट वन एक्सरसाइज ए वेयर इज लोला द रैबिट रैबिट का नाम क्या दिया गया है यहाँ पे लोला वो कहाँ पे है वेयर इज लोला सर्कल द राइट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हियर यू कैन सी दैट सम पिक्चर्स एंड सेंटेंसेस आर गिवन सो फाइंड आउट करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ दिस सेंटेंसेस फर्स्ट वन शी इज ब्लैंक द होल इन द लोग इन और ऑन फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखने दे रहा है यस सो द आंसर इज इन नंबर टू देयर शी इज ब्लैंक द लोग बिहाइंड द लोग और नियर द लोग हियर यू कैन सी दैट द पिक्चर राइट सो द आंसर इज बिहाइंड यस नंबर थ्री शी इज ब्लैंक द लोग इन फ्रंट ऑफ द लोग और बिटवीन द लोग हियर यू कैन सी दैट द पिक्चर वन लोग इज हियर राइट तो बिटवीन नहीं आएगा ना यस सो द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ रिमेनिंग फोर सेंटेंस कौन करेगा यस आपको ये चार सेंटेंस होमवर्क में करने हैं आफ्टर दैट We will solve in Zoom class or answer key. Done. Next, turn the page on the page number 84. Preposition of time. Number 3. In the red round, in the yellow box, preposition of time tell us when something happens. When. Yani ki time show karta hai. Okay. Preposition of time. Here you can see that three words are here, in, on, at. Preposition of place में अगर in आएगा तो अंदर, on आएगा तो ऊपर, right? But here you can see that. For examples, read these sentences. When did human First step on moon? Question mark. Answer in 1969 on Wednesday on 20th July at 9:32 a.m. Here you can see that three preposition of time are used in this answer. When was the first teddy bear sold? Question mark. Answer is in 1903 on Tuesday on 10th of March at 10 a.m. Right? So remember month and year. So we will use in. Date and day we will use on. And the time show in the sentences we will use at. राइट जैसे जैसे हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे तीनों का यूज कैसे होगा हमें पता चल जाएगा राइट रिमेंबर इन द येलो बॉक्स वी ऑल्सो यूज इन एंड एट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून एट ब्रेकफास्ट एट नाइट ओके सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम टॉपिक है कंप्लीटेड सो वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज बी रीड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द बॉक्स दे ऑल टॉक अबाउट टाइम पुट देम इन द राइट कॉलम्स हियर यू कैन सी दैट सम क्लूज आर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द करेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस एंड पुट देम इन द करेक्ट कॉलम राइट So, three columns are here, in, on or at. So, in mein kya kya aayega? Month and year. On mein, date
ऑल 1 o'clock टाइम आया, कौन से बॉक्स में जाएगा? एट वाले में, राइट। 2nd August डेट ऑन वाले बॉक्स में, डन। मंडे डे ऑन वाले बॉक्स में, डन। 2015 ईयर इन बॉक्स में, ओके। सो रिमेनिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस कौन कंप्लीट करेगा? यस, कंप्लीटेड एक्सरसाइज बी। सो वी विल गोइंग टू लर्न अवर नेक्स्ट टॉपिक प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट ऑन द पेज नंबर 85। प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज गोइंग। वेयर, वेयर मतलब कहां, राइट। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी दैट 4 books आर गिवन। इन द फर्स्ट बॉक्स 2 pictures आर हियर, अप द स्ट्रेस डाउन द स्ट्रेस, सीढ़ियों के ऊपर जाना और सीढ़ियों के नीचे उतरना, राइट। सो दीना इज गोइंग अप द स्ट्रेस टू हर रूम टू गेट रेडी टू गो हर डांस क्लास, सीढ़ियां चढ़ रही है। शी इज गोइंग डाउन टू द स्ट्रेस टू से गुड बाय टू हर ग्रैंडफादर। डाउन टू स्ट्रेस यानी कि सीढ़ी उतरना। नेक्स्ट वन इन द सेकंड बॉक्स इन टू द हाउस आउट ऑफ द हाउस। हियर यू कैन सी दैट ऑल्सो 2 pictures आर हियर। शी हैज रिटर्न फ्रॉम हर डांस क्लास, शी इज गोइंग इन टू द हाउस घर के अंदर। नाउ शी इज गोइंग आउट ऑफ द हाउस टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स। आउट ऑफ द हाउस मतलब घर के बाहर, डन। नेक्स्ट इन द थर्ड बॉक्स हियर यू कैन सी दैट ऑल्सो 2 pictures आर अराउंड द ट्री फ्रॉम रोजेस टू ट्री। अराउंड द ट्री मीन्स दीना इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, दे आर चेजिंग हर देयर, शी इज रनिंग अराउंड द ट्री। रनिंग अराउंड द ट्री मीन्स ट्री के आसपास गोल गोल घूमने ना, वो वाला। एंड नेक्स्ट वन फ्रॉम रोजेस टू ट्री मीन्स नाउ शी इज रनिंग फ्रॉम द रोज बशेस टू द ट्री। रोज बशेस जो था वहां से ट्री तक, राइट। नेक्स्ट इन द लास्ट बॉक्स ओवर द ब्रिज, वेयर इज दीना नाउ? देयर शी इज, शी इज रनिंग ओवर द ब्रिज इन द पार्क। ओवर द ब्रिज मतलब ब्रिज के ऊपर। शी इज वेरी हैप्पी, शी कैन रियली रन फास्ट। डन, टर्न द पेज ऑन द पेज नंबर 86। Here you can see that exercise C and D had given, right? So we will solve exercise C and D in the Zoom meeting and with answer key, right? So here you can see that all the exercises and all the topic of preposition had completed, and also chapter number 22 preposition had completed. Thank you for joining us.